एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूटेट इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि पेपर में आने के इनके ज़्यादातर क्या है चांसेस हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। तो देखो, यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई अप्लाइड फॉर द जॉब इन जापान बट दे डैश माई एप्लीकेशन बिकॉज आई डिडेंट नो जापानीज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पर हमें क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वन, दैट इज़ टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, मतलब ठीक है, मैंने क्या करा था, अप्लाई करा था जॉब जापान में, लेकिन मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मुझे जापानीज नहीं आती थी। तो इसका देयरफोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, दैट इज़ टर्न डाउन। ठीक है, और अगर टर्न आउट की बात करें तो इसका मतलब होता है एक्सपेल करना, क्या क्या करना, बाहर निकाल देना किसी को। ठीक है, एक्सपेल करना हो जाएगा इसका टर्न आउट का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन, दैट इज टर्न डाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये भी फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर हमें सुटेबल मॉडल बनना है। ठीक है, अब यहाँ पर है चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स, अब स्लैश में हमें यहाँ ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री भी हमारा फिल इन द ब्लैंक है, और यहाँ पर हमें क्या है ना, सुटेबल प्रीपोजिशन बनना है। तो यहाँ पर है थीफ ब्रोक डैश माई हाउस। देखो थीफ क्या है, किसी मूवमेंट की बात कर रहा है, तो हमारे घर के अंदर आ गया, तो इसके लिए आएगा इनटू, थी ब्रोक इनटू माय हाउस। तो इसका ऑप्शन वन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना है। यहाँ पर क्या बनना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनना है। तो देखो सेंटेंस है, आई डैश माई द इंस्ट्रक्शन बट आई डोंट अंडरस्टैंड देम। तो ठीक है, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये आएगा ऑप्शन सेकंड, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन बट आई डोंट अंडरस्टैंड देम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, दैट इज हैव रेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, फिर से यहाँ पर मॉडल बनना है। देखो, ही डैश नॉट एंटर माई हाउस अगेन। तो ठीक है, अब यहाँ पर कमांड दिया गया है, और हमारे जो अगेन मतलब फ्यूचर जो सेंटेंस है, हमारे फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है उसको, ठीक है फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर में हम कौन सा यहाँ पर लगाएंगे मॉडल, तो यहाँ पर शेल लगाएंगे, ही शेल नॉट एंटर माई हाउस अगेन। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को पहचानना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, क्यों, यहाँ पर जॉन क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब भी यूज कर रखी है, और ओल्डर जॉन रिजेंबल हिज ओल्डर सिस्टर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ई वी लुकास, हमारे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दैट इज सेकंड, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर एट है, फिर से यहाँ पर हमारे क्या है, फिल इन द ब्लैंक है, आई इट रेन डैश 3 days फॉर स्टॉपिंग। देखो ये है, ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या बता रखा है, पीरियड ऑफ, यहाँ पर क्या है, टाइम, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो इट रेन्ड फॉर 3 days विदाउट स्टॉपिंग, 3 दिनों तक लगातार बारिश चलती रही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, दैट इज फॉर, इट रेन फॉर 3 days विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर नाइन है, अब देखो नाइन, यहाँ पर एक पोएम दी गई है जो कि बहुत ही अच्छी पोएम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो पोएम है ये किसने लिखी है, जॉन कीट ने लिखी हुई है। तो यहाँ पर पोएम है द पोएट्री ऑफ अर्थ नेवर डेड। अब देखो मैं इस पोएम का आपको एक ओवरलुक दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस पोएम में पोएट कहता है क्या। देखो इस पोएम में पोएट कहता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ में वो सभी क्या करते हैं, साउंड करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट आवाज़ निकालना बंद कर देता है तो उसी समय दूसरा ऑब्जेक्ट आवाज़ निकालना क्या कर देता है, स्टार्ट करता है। ठीक है, मान लो अभी बर्ड आवाज़ कर रही हैं, और जैसे ही बर्ड ने यहाँ पर आवाज़ निकालना बंद करा, और उसी टाइम कोई जानवर, मान लो कोई जानवर है, उसने आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। तो इस पोएम में यही चीज़ बताई गई है पोएट के द्वारा। तो ठीक है, और ये 14 लाइन की पोएट है जिसको हम सोनेट कहते हैं। 14 लाइन की पोएम को हम क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। ठीक है, आपको इस शुरू के स्टेंजा में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, और बाकी इस पोएम को आप खुद से पढ़ें, और इसके जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, और इनका करेक्ट आंसर मैं भी वहाँ आपको वहाँ पर मेंशन कर दूंगा। देखो शुरू के है, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। तो देखो जो अर्थ में आवाज़
आती हैं वो कभी बंद नहीं होगी। तो यहाँ पर ये बोला गया, पोर्ट्री ऑफ अर्थ मतलब है साउंड, जो अर्थ में जितनी भी आवाज़ होती है वो कभी भी बंद नहीं होगी। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, जब गर्मियों में सारी जो चिड़िया हैं वो आवाज़ निकाल निकाल के क्या हो जाती है, थक जाती हैं, तो वो एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और वो कहाँ चली जाती हैं, कूलिंग ट्रीज मतलब यहाँ पर झोपड़ियों में चली जाती हैं, और अ वॉइस रन, और उसी टाइम फ्रॉम ए हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मेड। तो उसी टाइम क्या होता है, हर एक कॉर्नर से क्या होती है, दूसरी एक आवाज़ स्टार्ट हो जाती है, और ये जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, ग्रास ऑपर की होती है, ग्रास ऑपर की होती है। अब वो क्या करता है, ही टेक्स द लीड, मतलब अब वो क्या करता है, जैसे ही चिड़िया ने आवाज़ निकालना बंद करा, अब वो अपनी आवाज़ निकालने लग जाता है। तो ठीक है, तो इसमें ये बोला हुआ है, इस पोएम को आप आगे खुद से रीड कर लेंगे तो ठीक है, बहुत ही अच्छी पोएम है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु प्रोवाइड्स द म्यूजिक इन द विंटर सीजन, तो ठीक है ये आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीजन डज द ग्रास कॉपर सिंबलाइज इन द पोएम, तो ये भी इसका कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें। और 11वां क्वेश्चन है, द बर्ड इन द पोएम टेक रेस्ट बिकॉज ऑफ, ये भी इसका क्वेश्चन ठीक है कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। और यहाँ पर देखो, द वर्ड फेंट इन द पोएम मीन्स, फेंट का मतलब आपको बताना है पोएम में क्या है। और 13 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में है, और 14 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, चलो इसको मैं बता देता हूँ, सिनोनियम बताना है, लेथार्जी इज नॉट अ सिनोनियम है लेथार्जी का, ठीक है। लेथार्जी मतलब होता है आलसी होता है, स्लेगिस इसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लेजी भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा, और टॉर्पिड भी इसका हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा सिनोनियम नहीं है, अजाइल, तो ठीक है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजाइल है। तो ठीक, इसका आंसर मैंने बता दिया, और बाकी का जो इन क्वेश्चनों के आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मैंशन करना, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन, तो ठीक है कलेक्टिव नाउन बताना है, मतलब कलेक्टिव नाउन मतलब जो ग्रुप ऑफ होता है, देखो फ्लीट हो गया ये भी ग्रुप को कहते हैं, क्राउड भी ग्रुप को कहते हैं, फैमिली भी होता है, लेकिन जजमेंट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ठीक है जजमेंट हमारा किसी सबका अलग अलग हो सकता है, तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज जजमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। अब हमें सेंटेंस दे रखा है और हमें बताना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये चीज़ें क्या है बतानी है। देखो दे पेंटेड द डोर ग्रीन, अब देखो दे तो हमारा यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है, और पेंटेड हमारा यहाँ पर वर्ब है, और द डोर हमारा क्या है यहाँ पर, द डोर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, और जो ग्रीन है किसको, देखो ये किसके बात कर रहा है, डोर की बात कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ठीक है जब हम, तो यहाँ पर जो ग्रीन होगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ऐसा कौन सा होगा यहाँ पर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है, रेयान इज़ वेरी गुड एट लैंग्वेज, ही डेज 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल, देखो अब यहाँ पर है ही क्या है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा, और सिंगुलर वर्ब हमें क्या है दिखेगा एस और यस लगा के, तो स्पीक्स क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस वेरी वेल, तो ठीक है सर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्पीक्स क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, यहाँ पर प्रीपोजिशन बनना है फिर से, डैश डूइंग द क्लीनिंग आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग, तो ठीक है देखो यहाँ पर है क्लीनिंग, डैश डूइंग द क्लीनिंग आई हेल्प माई मदर इन कुकिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिसाइड्स हो जाएगा, मतलब बिसाइड कहने का इन एडिशन टू, इन एडिशन टू होता है, ठीक है इन एडिशन टू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बिसाइड होता है मतलब बिहाइंड होता है तुम्हारा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज बिसाइड्स, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पर हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली स्पेल, तो इनकरेक्टली स्पेल बताना है, इन्वायरमेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और साइकोलॉजी की हमारे क्या बिल्कुल सही है, और एजुकेशन की बिल्कुल सही है, जो कैरिकुलम है इसकी स्पेलिंग होता है CURRI, CULUM, ठीक है एक एल आता है यहाँ पर, 2 एल लगा रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यहाँ पर क्या है इनकरेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बताना है, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है नेगेटिव सेंटेंस बताना है, तो सेंटेंस है ही इज़ ग्रेटर देन मी, अब वो मुझसे क्या है बड़ा है, तो देखो अगर सेंटेंस में आपको थोड़ा सा भी अगर इसकी नॉलेज होगी तो देखो सो और एस, जहाँ पर भी सो और एस आते हैं हम ये किस चीज़ की बात करता है, नेगेटिव चीज़ की बात करता है, तो सो और एस हमारे नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखो क्वेश्चन नंबर 21, देखो यहाँ पर हमारे क्या है, फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। द फ्रेल ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फॉरो फॉलोड फ्री। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑप्शन वन, दैट इज़ एलिट्रेशन का यूज़ कर रखा है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि यहाँ पर एलिट्रेशन कैसे यूज़ हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो यहाँ पर है, ये भी हमारा क्या फिल इन द ब्लैंक है। आई हैव डैश अ लिटिल मनी फॉर अ रेनी डेज। तो ठीक है, आई हैव मतलब सेव कर रखा है कुछ मनी मैंने रेनी डेज के लिए। तो देखो पुट असाइड मतलब कहते हैं मैंने क्या है बचा के रखा हुआ है, मतलब सेविंग फॉर फ्यूचर के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो आई हैव पुट असाइड अ लिटिल मनी फॉर रेनी डेज। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज पुट असाइड। क्वेश्चन नंबर 23 देखो यहाँ पर करेक्टली स्पेल बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल। तो ठीक है, सक्सेशन की स्पेलिंग है, सक्सेशन की स्पेलिंग क्या होती है, करेक्ट SUCCESION। तो ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सक्सेशन SUCCESS आता है। तो ठीक, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखो यहाँ पर हमें बताना है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर आफ्टर ही टेक आफ्टर हिज ग्रैंड मदर। तो टेक आफ्टर हिज ग्रैंड मदर, आफ्टर क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन यूज है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, दैट इज प्रीपोजिशन। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंस बिलो। तो ठीक, अब देखो ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर। तो ठीक है, हमें बताना है वेरी रूड मैनर में अंडरलाइन है तो ये कौन सा फ्रेज है। तो देखो ये हमारा फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज तो होगा नहीं, तो ठीक है नाउन फ्रेज तो हम ऐसे इसको काट देंगे। अब दूसरा देखो एडवर्ब फ्रेज, ठीक है एडवर्ब फ्रेज देखो यहाँ पर क्या है, वेरी रूड मैनर, वेरी रूड मैनर किसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है आंसर, मतलब आंसर क्या है यहाँ पर हमारा वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला तो क्या कहते हैं इसको, एडवर्ब फ्रेज कह देंगे। तो ठीक है, एडवर्ब फ्रेज है, तो वेरी रूड मैनर है हमारे यहाँ पर क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज है। तो देखो, तो ये हमारे आज 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में।